भाई आप सबको पता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना इतना भी इजी नहीं है, लेकिन स्टिल जैसे कि मैंने थंबनेल पे रखा, एक महीने में 12 मिलियन का ट्रैफिक, और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है एक्सपायर्ड गवर्नमेंट डोमेन के साथ। जी दोस्तों, एक महीने में एक वेबसाइट ने गेन किया है 12 मिलियन का ट्रैफिक, और उसका केस स्टडी आज आपके सामने में रखने वाला हूं, देख के आप लोग भी हैरान हो जाओगे। और आज के वीडियो में कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट डेटा के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये आपको ही मदद करेगा अगर आप लोग भी मिलियंस में ट्रैफिक गेन करना चाहते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग स्क्रीन पे हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे वो वेबसाइट को देखेंगे और उसका केस स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे हो तो आपको बता दूं, मैं हूं सौम्य और आप देख रहे हो सौम्य हेल्प यूट्यूब चैनल। यहां पे दोस्तों मैं ब्लॉगिंग सिखाता हूं, और अगर आप ब्लॉगिंग पे इंटरेस्ट रखते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वो बात छोड़िए, अभी हमारे चैनल पे ब्लॉगिंग कोर्स कंप्लीट कोर्स चल रहा है सीरीज वाइज, जैसे कि आप देख सकते हो 4 पार्ट आ चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। यहां पे मैं प्रॉपरली हर एक चीज को डिटेल में कवर कर रहा हूं। जो आपको प्रीमियम कोर्स पे नहीं मिलता है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, वो भी फ्री में। अगर आप देखना चाहते हो सीरीज वाइज कंप्लीट करिए, आपको कहीं और मतलब ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा ब्लॉगिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकन पे प्रेस करें और ऑल पे दबाएं, ताकि हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे, वो वेबसाइट को ओपन करके देखेंगे और उसका केस स्टडी भी करेंगे। दोस्तों अभी आपके सामने वो जादू का पिटारा है, मतलब जो 12 मिलियन ट्रैफिक एक महीने में करके दिखाया है। अगर हम लोग इस पे क्या करें, सिंपल यहाँ पे मैंने सिमिलर वेब का डेटा पर क्लिक कर दिया। अभी आप लोग देख सकते हो ये है वो वेबसाइट pune university.org। ठीक है, तो इसका सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, उसके बाद आपको वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लो अगस्त महीने में कितना, सिर्फ 500 विजिटर था, और उसके बाद सितंबर में सिर्फ यहाँ पे 1,77,000 था, और उसके बाद यहाँ पे अक्टूबर पे आप देख सकते हो सीधे और सीधे 12 मिलियन आसपास 13 मिलियन पे पहुँच चुका है। यही वेबसाइट है और ये एक एक्सपायर्ड गवर्नमेंट डोमेन है, जैसे कि ये पुणे यूनिवर्सिटी के ऊपर बेस था, और ये वेबसाइट अभी आप देख लो, आगे डिटेल में बात करेंगे। तो नॉर्मल जैसे कि बाकी एक्सपायर्ड डोमेन काम करते हैं, ये भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है, और क्विक ग्रोथ इसे मिला है, मतलब इतना अच्छा ग्रोथ शायद किसी और डोमेन को मिला होगा, लेकिन इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ है। स्क्रॉल करके देखोगे इन्होंने क्या किया, सिंपल इन्होंने कुछ और स्ट्रक्चर अपनाया नहीं। सबसे पहले जो पुणे यूनिवर्सिटी का कंटेंट था, उन्होंने प्रॉपरली इसको होम पेज पे एक्सप्लेन कर दिया है, और एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में इन्होंने क्या किया, नोटिस दे दिया यहाँ पे डिस्क्लेमर, ये कि ये वेबसाइट गवर्नमेंट से बिलोंग अभी के टाइम पे नहीं करता है, और ये जस्ट अपना न्यूज पोर्टल के जैसा इसे चला रहे हैं, और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दे दिए हैं। देखिए ये एग्जैक्टली गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन है, और एग्जैक्टली आप लोग इसका यूआरएल देख लीजिए और इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग इसका मोज पे डेटा देखें तो यहाँ पे देख सकते हो डोमेन अथॉरिटी 17 है, और यहाँ पे बहुत ही कम, मतलब यहाँ पे ज़्यादा अथॉरिटी नहीं है, लेकिन स्टिल इस पे 12 मिलियन का ट्रैफिक वो भी एक महीने के अंदर ग्रोथ हुआ है। तो 17 का जो डोमेन अथॉरिटी है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये एक्सपायर्ड डोमेन है कि नहीं, आपको यहाँ पे पता लगेगा। देखिए पुणे university.org इसका लॉगिन पेज था, और यहाँ पे रिक्वेस्ट पासवर्ड, मतलब ये गवर्नमेंट डोमेन था जो कि एक्सपायर्ड हुआ है रिसेंटली, और ये यूआरएल अभी काम नहीं करता है। ठीक है, अगर हम लोग इसका सेमरेस डेटा देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो 32 का अथॉरिटी है, और यहाँ पे अभी के टाइम पे 5.8 मिलियन का ट्रैफिक बता रहा है। और अगर हम लोग इसको आरएफ में देखेंगे तो अगेन देखिए यहाँ पे 34 का जो है डीआर है, और यूआरएल रेटिंग 26 का है, और बैकलिंक से यहाँ पे देख सकते हो 8.6K का है, और जो ट्रैफिक आप देखोगे यहाँ पे है मंथली 5.5 मिलियन ट्रैफिक। तो सेमरस और आरएफ का डेटा आसपास नियर अबाउट है, और यहाँ पे मौज भी आसपास वही डेटा दिखा रहा है जो अथॉरिटी बेसिस पे। लेकिन भाई अथॉरिटी तो इसका ये है ना कि एक गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन है, चाहे ये अथॉरिटी जो भी बयान करे, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक आपके सामने है भाई 12 मिलियन का ट्रैफिक, समझ पा रहे हो ना। ठीक है, और अभी सबके दिमाग में ये आ रहा है कि भाई ये जो डोमेन आप बता रहे हो दिखा रहे हो सही है, लेकिन ऐसा डोमेन एक्चुअली फाइंड कैसे करते हैं। एक्चुअली अब बहुत सारे वीडियो आप देखोगे कि एक्सपायर्ड डोमेन ढूंढो, लेकिन इस पे जो सीक्रेट चीज़ें काम होता है, जो सीक्रेटली इस डोमेन को फाइंड करते हैं, वो प्रोसेस आपको कहीं पे मेंशन नहीं होगा। इसीलिए मैंने भी देखा, मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखा यूट्यूब पे जाके एक्सपायर्ड डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो भी इतना डिटेल में नहीं था। और जब हम ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो ये जो एक्सपायर्ड डोमेन,
चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर कोई दूसरे निच पे हो, बस एक्सपायर्ड इसका मतलब है कि उसका अथॉरिटी बना हुआ है, ऑलरेडी उस पर काम हो रहा था। अगर हम एक्सपायर्ड डोमेन लेते हैं तो हमें क्विक रैंकिंग मिल सकता है चाहे कोई भी निच पे हो, चाहे वो मतलब गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, लेकिन एक्सपायर्ड होगा तो वो डोमेन पे काम किया गया है तो उसका थोड़ा बहुत अथॉरिटी होता है। न्यू डोमेन से बेहतर रैंक मिलता है एक्सपायर्ड डोमेन को। लेकिन एक अच्छा एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड कैसे करते हैं, वो तरीका यूट्यूब में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, आपको एक सीक्रेट तरीका बता सकता हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कैसे पता लगेगा भाई, कमेंट करो अभी के अभी, कमेंट करो कि आप ये वीडियो जानना चाहते हो कि आपको एक्सपायर्ड डोमेन कैसे फाइंड करें, वो वीडियो आपको चाहिए तो क्विक कमेंट करो, मैं कल ही ये वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए और प्रोसेस बताऊँगा एक्चुअल में आप इस तरह का डोमेन कैसे फाइंड कर सकते हो, कैसे इस पर बिडिंग होता है, कैसे ये मिलता है, पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊँगा जिससे कि आप लोग आसानी से ऐसे हाई क्वालिटी एक्सपायर्ड डोमेन ले सकते हो और खुद ये जादू भी दिखा सकते हो। ठीक है, अभी थोड़ा इसका मोर इनसाइट देखते हैं। अगर मोर इनसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग चले आते हैं सिमिलर वेब पे, इसका डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। देखिए आप लोग देखिएगा यहाँ पे जो ग्लोबल रैंक है, मतलब एक डोमेन एक्सपायर्ड होने के बाद इतना ज़्यादा ट्रैफिक ले रहा है, उसका ग्लोबल रैंक अभी 6707 है और कंट्री रैंक 463 है। इसको क्लोज करते हैं, अभी कैटेगरी रैंक 27 है। ठीक है, और यहाँ पे मोस्ट टोटल विजिट 12.8 मिलियन यानी कि 13 मिलियन के आसपास है और बाउंस रेट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कंटेंट देखोगे तो इतना खास कंटेंट है नहीं। जैसे गेमिंग पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो वेबसाइट को बिल्कुल इन्होंने सिंपल बना दिया, बिल्कुल सिंपल, कुछ है नहीं इसके अंदर। तो एक बार यूज़र आएगा, स्क्रॉल करेगा, धड़ंग से चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है ना, बाउंस रेट आपको ज़्यादा दिख रहा है, 70% का बाउंस रेट है और यहाँ पे 1.66 का पेज विजिट है। मतलब एक बार कोई यूज़र आ रहा है तो दो पेज विजिट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक पेज और थोड़ा बहुत। और एवरेज ड्यूरेशन भी आप देख सकते हो 0.58 समथिंग। और ये एक बैड साइन है एक वेबसाइट के लिए, एक्चुअल में एक बैड साइन है। ये वेबसाइट ग्रोथ तो अच्छा कर रहा है, ठीक है, ऐसा काम करते हैं तो वेबसाइट ज़्यादातर टिकते नहीं है, ये समझ लो। क्योंकि यहाँ पे तो आपको खुद देखिए ना, 70% का बाउंस रेट, 1.66 का पेज विजिट और उसके बाद ड्यूरेशन तो आप ही देख ही रहे हो, तो ये बहुत ही लो क्वालिटी का जो परफॉर्मेंस वो बताता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे डिटेल्स में दिखेगा यहाँ पे 12 मिलियन का ट्रैफिक और यहाँ पे देखिए लास्ट मंथ चेंज, मतलब 5000% का ग्रोथ हुआ है भाई लोग, 5000% का। खुद देखिए अगस्त में यहाँ पे इतना ट्रैफिक था, सितंबर पे इतना गया और अक्टूबर पे सीधे 12 मिलियन, एक बड़ा सा खंभा खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सब जो है ना देखिए, और जो मैक्सिमम ट्रैफिक वो है इंडिया से 86% का और यूएस का आप देख सकते हो 4% का, कनाडा का जो है कि 1 point something, और ये जो यूएस का 4% ना, ये आधा रिवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा होगा इंडिया का जितना ट्रैफिक है, क्योंकि बहुत मतलब सीपीसी हाई रहता है। और इसका जो टॉप कैटेगरीज देख सकते हो, ये गवर्नमेंट का है, ठीक है, टॉप कैटेगरी और टॉप टॉपिक है इंडिया न्यूज़, ये सब कवर किया गया है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। और उसके बाद स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको सिमिलर टाइप का कुछ वेबसाइट दिखेगा जो कि मतलब इसके रिलेटेड है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ एक्सपायर्ड डोमेन भी मिल सकते हैं इनमें से। उसके बाद यहाँ पे देखोगे मार्केटिंग चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे ये सब कुछ है जो कि आपको देख सकते हो। यहाँ पे जो सर्च है, मतलब ऑर्गेनिकली यहाँ पे 93% का ट्रैफिक है, डायरेक्ट यहाँ पे 5.63% का ट्रैफिक है और उसके बाद पेड वर्सेस ऑर्गेनिक, यहाँ पे 100% ट्रैफिक ऑर्गेनिक है। और इसके बाद कीवर्ड्स, टॉप कीवर्ड्स देख सकते हो भाई, इस पर दिवाली विशेष और बहुत सारे कीवर्ड्स आपको दिखेगा यहाँ पे, देख सकते हो कीवर्ड्स टॉप कीवर्ड्स है। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे डेटा कुछ नहीं मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे सोशल मीडिया ट्रैफिक टू पुणे, तो यहाँ पे तीन दिखा रहा है सोशल मीडिया नेटवर्क, एक तो है यूट्यूब, दूसरा है व्हाट्सअप, तीसरा है फेसबुक, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखोगे यहाँ पे आउटगोइंग लिंक्स फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, मतलब ये वेबसाइट से कहाँ ज़्यादा लिंक्स जा रहा है। मोस्टली यहाँ पे दो जगह पे लिंक्स जा रहा है, एक तो गवर्नमेंट और दूसरा है सर्च इंजन टाइप का। तो ये जब ये गवर्नमेंट वेबसाइट है और एक्सपायर्ड डोमेन है और गवर्नमेंट न्यूज़ को ज़्यादातर कवर करता है, पीएम किसान मतलब योजना कवर करता है मैक्सिमम, और इसीलिए देख सकते हो जो और जो गवर्नमेंट बता रहा है ना कैटेगरी पे जा रहा है, इसीलिए कि वो लोग देते हैं वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक देते हैं, इसलिए आउटबाउंड लिंक पे जा रहा है गवर्नमेंट पे ज़्यादातर। ठीक है, तो इस तरह आप लोग भी इसका डेटा खुद चेकआउट कर सकते हो जो कि मैंने आपको दिखाया। और ये एक लेसन है, अगर आप एक अच्छा सा एक्सपायर्ड डोमेन खरीद लेते हो तो आप
कम टाइम में बहुत ज्यादा कमाई कर सकते हो, वो भी AdSense के साथ, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे इसमें भी AdSense लगा हुआ होगा। मैंने तो AdBlocker यूज करता हूँ यहाँ पे, इसलिए देख सकते हो आपके सामने आ गया Google Ads। तो AdSense आसानी से मिलेगा, कमाई आसानी से हो सकता है, और जो रैंकिंग तो आपके सामने ही है। और इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा अलग है दूसरों से, मैं इसको अगेन ब्लॉक कर देता हूँ Ads को, ताकि भाई कोई नुकसान ना हो मेरे वजह से उनको, ठीक है। वो आ गया यहाँ पे देख सकते हो, इनका पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में इन्होंने लिखा। बाकी वेबसाइट ने क्या किया था, वहाँ पे होम पेज पे साइलो स्ट्रक्चर बनाया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, प्रॉपरली वो कीवर्ड को डिफाइन किया, जो पुणे यूनिवर्सिटी का जो उनका डोमेन है उसको डिफाइन किया, और एंड में इन्होंने यहाँ पे दे दिया ऑफिशियल वेबसाइट और डिस्क्लेमर डाल दिया। समझ पा रहे हो ना, इन्होंने एक्चुअल में स्मार्टली काम किया है। यहाँ पे हो सकता था ये लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मली जो साइलो स्ट्रक्चर बना सकते थे, लेकिन इसका जरूरत इन्होंने नहीं सोचा। और बाद इनको, और उसके बाद भी इनका अच्छा खासा रैंकिंग है, और फिर भी आप खुद समझो ना, एक महीने में 12 मिलियन ट्रैफिक पहुंच गया एक महीने में, तो ये छोटा बात नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने देखा ये वेबसाइट ने एकदम से जादू के जैसा ट्रैफिक लिया है, और सिर्फ यही वेबसाइट नहीं, और इसके जैसा भी बहुत सारे वेबसाइट्स है जो कि ट्रैफिक ले रहे हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर भी केस स्टडी ला सकता हूँ, लाऊंगा भी आगे चल के अगर हो सके तो। लेकिन भाई यहाँ पे प्रॉब्लम तो यही है ना कि भाई ये लोग तो कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे एक्सपायर्ड डोमेन ढूंढोगे। यहाँ पे इन्होंने एक्सपायर्ड डोमेन लिया और अच्छा खासा कमाई किया, लेकिन आप लोग कैसे करोगे। अगर ये सीक्रेट चीज जानना है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होके यहाँ पे कमेंट करते हैं, मैं आज ही वीडियो शूट करूंगा, और कल आपके सामने वीडियो होगा कि एक्सपायर्ड डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। अगर एक्सपायर डोमेन आप लोग फाइंड कर लोगे, तो आप लोग क्विकली अपना जो लाइफस्टाइल बदल सकते हो, मतलब जो लैपटॉप पे भी आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, एक दिन में अगर 12 मिलियन का ट्रैफिक इतने जल्दी आपके पास आ जाता है, तो पैसा भी बहुत भर भर के आएगा, तो आप अपना पूरा का पूरा ब्लॉगिंग स्टैंडर्ड चेंज कर सकते हो। लेकिन इसके लिए बस प्रोसेस यही है कि आपको एक एक्सपायर्ड डोमेन चाहिए। लेकिन भाई वो कैसे जानना है, कमेंट करो। लेकिन स्टिल मैं बता रहा हूँ, इनका जो काम करने का स्ट्रेटेजी है बिल्कुल सही नहीं है। ये लोग और बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं, लेकिन क्या करें, सबका अपना अपना सीन होता है, और ये अगर कंटेंट में थोड़ा अच्छा काम कर लेते तो लॉन्ग टाइम के लिए रैंकिंग भी इनको मिलता रहता और अच्छा खासा होता, लेकिन ये तो छोड़िए, उनका स्ट्रेटेजी है, जो भी ये डोमेन चला रहे हैं, भाई मैं उनको इतना कहना चाहूँगा, थोड़ा अच्छे से काम करिए, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो बस आज के लिए बस वीडियो यही तक था, अगर आप इंटरेस्टेड हो कमेंट करना, मैं बहुत जल्दी वो वीडियो लेके आऊँगा कि एक्सपायर डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक था, अगर कोई भी डाउट है ब्लॉगिंग के बारे में कमेंट कर सकते हो, मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम का आईडी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बस आज का वीडियो यही तक था, लेकिन भाई ब्लॉगिंग कोर्स चल रहा है, कॉन्टैक्ट कर लोगे, मैं क्विकली रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, जब फ्री रहूंगा रिप्लाई करूंगा। आज का वीडियो बस यही तक था, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।